टीजर जिस दिन से ड्रॉप हुआ है उस दिन से इस टीजर ने हर जगह आग लगा रखी है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम। मतलब ओल्ड हनी सिंह का कितना ज्यादा क्रेज है वो इस वाले टीजर ने हर किसी को बता दिया है। सो अभी मैं आपको वो सारे रिकॉर्ड्स बताने वाला हूँ जो कि इस टीजर ने आज के दिन तोड़े हैं। तो सबसे पहले तो इस टीजर ने 2 दिन पूरा होने से पहले 1 मिलियन लाइक्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसकी वजह से ये गाना इंडिया का पहला सॉन्ग टीजर बन चुका है जिसपे 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। खैर इसके बाद ये टीजर एक और माइलस्टोन अचीव कर लेता है। जी हाँ, इस टीजर पे कुछ घंटों बाद ही पूरे 10 मिलियन व्यूज भी हो जाते हैं। यूट्यूब पे तो ये गाना नंबर 1 पे ट्रेंड कर ही रहा था, लेकिन 10 मिलियन व्यूज होने के बाद ये गाना वर्ल्ड वाइड भी नंबर 1 पे आ जाता है। वहीं कल रात तक तो ये गाना 9 कंट्रीज में ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल ये टीजर टोटल 11 कंट्रीज में ट्रेंड कर रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सो ये तो बात हो गई यूट्यूब की, लेकिन इस वाले टीजर ने इंस्टाग्राम पे भी आग लगा रखी है, क्योंकि इस टीजर ने इधर भी ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज के साथ 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो अगर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जस्ट अभी के लाइक्स एंड व्यूज को एक साथ जोड़ते हो तो कला स्टार टीजर पे ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन लाइक्स के साथ 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर। मतलब क्या ही नेक्स्ट लेवल का रिस्पॉन्स है, जो कि बादशाह एंड गिरफ्तार की औकात से बाहर है। रिस्पॉन्स तो मैंने किसी भी सॉन्ग टीजर पे आज तक नहीं देखा है। और ये जो हिस्ट्री हनी पाजी ने बनाई है, मैं लिख के देता हूँ कि इन सभी रिकॉर्ड्स को किसी का बाप भी नहीं तोड़ पाएगा। इन रिकॉर्ड्स को सिर्फ हनी पाजी तोड़ सकते हैं। वैसे हनी सिंह के नाम से हाइप लेने के लिए बादशाह ने आज अपने न्यू सॉन्ग का टीजर भी ड्रॉप किया था, जिसपे अगर आप लाइक्स एंड व्यूज चेक करोगे तो आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे। मतलब पहले 7 घंटों में जियान से 50,000 व्यूज भी बड़ी मुश्किल से हुए थे। वहीं लाइक्स का तो आप लोग पूछो ही मत, क्योंकि 5-6 हजार लाइक्स तो हनी जी के पहले 2 मिनट में ही आ जाते हैं। साथ में मेरी वीडियोस के ऊपर भी इससे ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं। अब इससे ज्यादा बेइज्जती किसी भी इंसान की नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जियान भाई हर बार अपनी बेइज्जती कराने आ जाते हैं। वैसे बादशाह एंड गिरफ्तार जो कि कुछ दिनों पहले तक काफी ज्यादा भौंक रहे थे, उन्हें अब ये चीज तो समझ आ रही होगी कि इन दोनों ने मिलके जो हनी पाजी को पोक किया था वो इनके पूरे लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी। ये तो अभी शुरुआत है, इन दोनों का हाल अभी इतना बुरा होगा जो कि इन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सो सिर्फ एक टीजर ने अपने हनी पाजी का ओल्ड वाला एरा वापस ला दिया है, साथ में बादशाह एंड गिरफ्तार बचे कुचे करियर को पूरा खत्म कर दिया है। सो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।